हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाली है, दो बेहतरीन कंपनी है, एक्युमुलेट कर लो, पोर्टफोलियो में होनी ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको बेहतरीन रिटर्न फ्यूचर में मिलते हुए नज़र जरूर आएंगे और शॉर्ट टर्म में भी अच्छे खासे रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो एक तो बात वो हुई और बाकी बात ये हुई कि आज हम कुछ अलग सीखेंगे। अलग सीखने का मतलब है वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी शेयर, हम किसी शेयर से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। हम चीज़ें फाइंड आउट कैसे करते हैं, मतलब कोई भी डिटेल्स हमें फैच करनी है कि मार्केट कैपिटल किसका सबसे ज़्यादा है, कौन सी फ्री कंपनी है, किसका आरओसी अच्छा है, ऐसी कंपनी कैसे चूज करते हैं, वो सब चीज़ हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ओके, और वो भी एक सिंगल एप्लीकेशन से। तो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बड़े बड़े लोग इसी तरीके से वो डेटा फैच करते हैं। तो आज के बाद आपको भी आ जाएगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। हमें एक बहुत बड़ी फैमिली बनानी है ताकि सब लोग इसी तरीके से सीखते रहे, हम लोग मिलके आगे बढ़ते रहे। और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास हमेशा डेली बेसिस पे लाता रहूँ। ओके, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका फ्री में आपका अकाउंट नहीं है डीमैट या ट्रेडिंग, तो यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा और बहुत सारे बेनिफिट आपको साथ में मिलेंगे। यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर श्री राम जी का अयोध्या में जन्मभूमि में मंदिर बन रहा है, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और एक पुण्य काम में मदद करिए और अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो दान कीजिए। आपको डेफिनेटली सक्सेस हर चीज़ में हासिल होगी क्योंकि ऊपर वाला हमेशा साथ ही देता है। तो आइए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, हम जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम किसी पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड बातें नहीं करने वाले, हम बातें करने वाले हैं कि डेटा कैसे फेच करते हैं। तो देखिए, हम सिंपल एक एप्लीकेशन है स्क्रीनर। ओके, आपको यहाँ पर अगर गूगल पर डालेंगे स्क्रीनर, ओके, तो यहाँ पर आपको डेटा आ जाएगा, ये स्क्रीनर। तो आपके सामने है स्क्रीनर, यहाँ पर स्क्रीनर में यहाँ पर ऊपर दे रखा है स्क्रीन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इस तरीके का पेज, एक लेआउट आपको ओपन होता हुआ नज़र आएगा। अब करना क्या है, अब करना ये है कि हमें अच्छी अच्छी कंपनी कैसे चूज़ करते हैं। जैसे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मार्केट कैपिटल, ऐसी कंपनी जिनका 1 लाख से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैपिटल हो। तो हमें ऐसी कंपनी की एक हमारे पर डिटेल आ जाए ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें, उसे फाइंड आउट कर सकें। तो कैसे करना है, तो सिंपल हम लिखेंगे मार्केट, यहाँ पर आ जाएगा मार्केट आया, तो देखिए यहाँ पर आ गया मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रेटर देन, क्योंकि हम 1 लाख से ज़्यादा की कंपनी देख रहे हैं, स्पेस दिया, फिर हमने यहाँ लिख दिया 1 लाख। ओके, हमने यहाँ 1 लाख दे दिया। तो ये जो वैल्यू है, देखिए वैल्यू इन रुपीज़ इन करोड़ में ही होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे रन दिस क्वेरी। जैसे ही हमने यहाँ पर रन दिस क्वेरी किया तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज़ आ गई जिनका जो मार्केट कैपिटल है, यहाँ पर देख लीजिए मार्केट कैपिटल है, जिनका मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। और ऐसी कितनी कंपनी है, तो यहाँ पर ऐसी कि 50 कंपनी आपको नज़र आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगी, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका है वो पहले आ जाएगी, फिर जिसका कम होता जाएगा उस तरीके से यहाँ पर आपको कंपनी मिलती जाएगी। और इस तरीके से आप नेक्स्ट पेज लास्ट पेज इस करके आप कंपनी को छाट कर सकते हैं, छटनी कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसे देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको जैसे दूसरा डेटा निकालना है, तो देखिए यहीं पर स्क्रीनर गए, स्क्रीनर पर जाके यहाँ पर दोबारा क्रिएट न्यू स्क्रीनर किया। अब आपको निकालना है आरओसीई जिसकी 30 हो, मतलब आरओसीई का मतलब आपको पता ही है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर आपने क्लिक किया तो जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि आरओसीई जिसकी 30 से ज़्यादा होती है ना, ऐसी कंपनी हमें चूज़ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न देगी, वही कंपनी हमें अच्छे खासे रिटर्न दे के बनाएगी फ्यूचर में भी। तो जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आरओसीई कितना देखा था हमने, आरओसीई देखा था 30। तो देखिए आरओसीई किसी का 1059 भी आया है। ओके, यहाँ पर ये सारी कंपनी आ गई है जो कि जिनका आरओसीई असेंडिंग मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिख गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको हर एक कंपनी के देखना है, और ऐसा देखना ही नहीं है, सिंपल आपको जाना भी है और जाके आपको चेक भी करना है ये कंपनी, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी ऐसी भी आपको इनमें मिल जाएंगी जो कि कंपनी अच्छी नहीं होंगी। तो आपको बस एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ आरओसीई 30 है इसमें, तो उसमें हाँ से अच्छी अच्छी कंपनी कौन सी है, तो वो अच्छी अच्छी कंपनी हम उस हिसाब से चूज़ करेंगे। यहाँ पर ये
और प्लस में मार्केट कैपिटल और लगा दिया, तो अच्छी अच्छी कंपनी जिनका आरओसी है, देखिए मार्केट कैपिटल भी ज़्यादा हो गया, तो देखिए टीसीएस आ गया, इन्फोसिस आ गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया, आईटीसी, एशियन पेंट्स, तो ये सारी कंपनीज़ है जो आपको आ जाएंगी। कितनी कंपनी है? 50 कंपनी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक डेटा आपको निकल के आ गया। दूसरा ही डेटा आपको और फेच करना है कि किसी ऐसी कंपनी जिसका डेट फ्री हो। तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ डेट टू इक्विटी पे आप गए, ओके, यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर ग्रेटर देन किया, सॉरी, यहाँ पर आपने इक्वल किया और यहाँ पर आपने जीरो लिख दिया, तो यहाँ पर रन दिस क्वेरी किया, तो यहाँ पर ऐसी कंपनीज आ जाएगी जिसकी जिसका डेट जीरो है। तो देखिए यहाँ पर आ गई, मार्केट कैपिटल कर ले तो मार्केट कैपिटल जिसका ज़्यादा होगा उस हिसाब से आपकी कंपनी आ जाएगी। तो इन्हीं कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मैं बहुत ईजी बना दिया है ये चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पर डेट किसका, ये सारी कंपनी है जितनी भी, ये सब डेट फ्री कंपनी है, कितनी, लगभग 50 कंपनीज है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, ये 50 कंपनी ऐसी है जो डेट फ्री है। अब इनमें से आपको चूज़ करनी है कौन कौन सी कंपनी अच्छी है, उसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, मारुति, डिविस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, एएमसी, ओके, ये बजाज होल्डिंग, आईआरसीटीसी, वर्लपूल, तो इस तरीके से आपको ये कंपनी आ जाएगी। और फिर इससे क्या होगा, इससे हो ये होगा कि आप अच्छी अच्छी कंपनी जो डेट फ्री है आप इजीली चूज़ कर सकते हैं और इन्हीं में आप इन्वेस्ट करिए। डेट फ्री कंपनी में इन्वेस्ट करने से ये होगा कि आपको लॉस होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और डेटा हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्या, अब जैसे कि OFS का डर रहता है लोगों में, तो OFS किस कंपनी में आने वाला है हमें नहीं पता, तो इन कंपनी में आ सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो कैसे जान लेंगे, तो देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग ग्रेटर देन 75, क्योंकि आपको पता ही है क्या क्या रूल है कि 75 ही होना चाहिए कंपनी में हिस्सेदारी, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें एक्सेप्शन ये है कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये एक्सेप्शन रहता है, गवर्नमेंट कंपनी अगर चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती, वो 100% तो 100% भी रख सकती है। बट यहाँ पर जो सेबी का रूल है 75, वो प्राइवेट के लिए है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो ये कंपनी है, ओके, इन कंपनी की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो 89, 88, ओके, इस तरीके से यहाँ पर एक कंपनीज है। कितनी कंपनी है, तो यहाँ पर लगभग 50 कंपनी हमें नजर आ रही है, तो ये कंपनी ऐसी कंपनी है जिनका OFS आ सकता है। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी कब शुरू हुई है, 3 साल के अंदर अंदर OFS आता है तो वो चेक करनी पड़ेगी, 3 साल तो नहीं हुआ या 3 साल होने वाला है, ओके, वो सब चीज हमें देखना पड़ेगा, और उस चीज को हम देख के ना हम पता फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ कौन सी कंपनी हमारी OFS के अंदर आ रही है। जैसे रेल विकास, तो अभी इसका OFS आया तो ये अब यहाँ पर कम हो जाएगा, ओके, यहाँ पर और देखिए फैक्ट कंपनी हो गई, ये जितनी भी कंपनी है ना इनका OFS आपको आगे आते हुए दिखाई देगा। गवर्नमेंट कंपनी एक्सेप्शनल है, मैं पहले ही फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा सिंपल स्क्रीनर में जाके, ओके, यहाँ पर स्क्रीन्स है, यहाँ पर क्रिएट न्यू डेटा है, यहाँ पर कुछ भी लिख के, ओके, आप अपना कोई भी डेटा यहाँ पर ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा अच्छी अच्छी कंपनी चूज़ करने के लिए, अच्छे अच्छे डेटा निकालने के लिए। आप इस किसी के भरोसे आपको रहना नहीं पड़ेगा, बस आपको वो कंपनी निकालनी है, फिर उसको उसकी बैलेंस शीट उनकी NSE BSE पे जाके आपको देखनी है, तो इस तरीके से आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो बड़े बड़े लोग यही करते हैं, उन्हें ही इस चीज़ की नॉलेज होती है, हम लोगों को ऐसी नॉलेज नहीं होती, और फिर क्या होता है कि हम पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। बट आज आपको ये नॉलेज मिली है, मैंने आपको ये नॉलेज दी है, ओके, और इस तरीके की बेहतरीन नॉलेज मैं हमेशा आपको देता रहूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए बस, ओके, अब पैसा है तो हम सब मिलके डेफिनेटली कमाएंगे ही, आज नहीं तो कल, ओके, धीरे धीरे हम सब ग्रो करेंगे। बट इस तरीके से आप डेटा फेच कर सकते हैं अपनी, अगर और आगे चल के हम अपना एक ग्रुप भी बनाएंगे जब व्हाट्सएप ग्रुप, फिर उस आगे हम इस तरीके से धीरे 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 करके बढ़ते रहेंगे। डोंट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, मेरे को जो जो नॉलेज जहाँ जहाँ से मिलेगी मैं आपको उस तरीके की नॉलेज यहाँ पर हमेशा देता रहूँगा। तो ये एक नॉलेज थी, ओके, जो आपको पता चल गई किस तरीके से डेटा हम अच्छे अच्छी कंपनीज का फैच कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में 1-5 हज़ार से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, तो हम 5 हज़ार कंपनी को नहीं देख सकते, बट हम 50, 100, 150 कंपनी देख सकते हैं और देख के उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न दिलाएंगी। तो ये सारे का सारा आज की वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और
और ये नॉलेज दूसरे लोगों को भी दीजिएगा, क्योंकि एक बार उन्हें नॉलेज मिलेगी तो डेफिनेटली वो भी आगे बढ़ेंगे, और इस चैनल को उन्हें रेफर कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की हम वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।